आजकल आप क्या कर रहे हैं? दरअसल मैडम, सूरत के अंदर हम लोग लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार का काम तो कर ही रहे थे। यहाँ पर जब ये कोविड की महामारी की बात चल रही थी, सूरत महानगर पालिका ने हम पर भरोसा किया और कोविड की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने का काम हमें सुपुर्द किया, जिसको हम बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड के बारे में जो मीडिया के द्वारा जनता को पता चला है, उससे एक ऐसा माहौल बन गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को छूना पसंद नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसे छू लिया तो मुझे भी इसका पॉजिटिव अंजाम भुगतना पड़ेगा। और उसके सामने विकल्प में वो देख रहा है कि जो सारवार, जो इलाज किया जा रहा है, वो इलाज इतना कैपेबल नहीं है या तबीबों से उसे इतना संतोष नहीं मिलता, तो वो एक भय का वातावरण बन चुका है कि अगर अस्पताल में मेरा आदमी गया तो वो जिंदा बचने वाला नहीं। ऐसी सूरत में वो तमाम डेड बॉडीज को उनके धर्मों के एतबार से हमें डिस्पोज करना पड़ता है। दूसरा, उनके पेरेंट्स को हम लोग सांत्वना देते हैं और जो जो WHO की गाइडलाइन है, जिसका हमें एक्सपीरियंस है और हमें डेमोंस्ट्रेशन कराकर डेप्यूटी कमिश्नर ने बताया है, उस तरह हम उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, आपने बहुत एक दिल से बात बोली कि इस समय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आप मदद कर रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो विक्टिम है, जिसकी डेथ हुई है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, आप उनके विश्वास को रखते हुए, उनके धर्म को रखते हुए आप उनको उनकी फाइनल राइट्स करते हैं। जी जी मैडम, असल में क्या ये दुख का समय है, मरने वाला हर व्यक्ति पहले तो वो मानवीय है, फिर वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। हर धर्मों की अपनी अपनी प्रणाली का होती है, लेकिन हमने कुछ ऐसी उनके सामने WHO की गाइडलाइन के मान्य रखते हुए कुछ विगत रखी है। मान लो कि अगर किसी मुस्लिम का डेथ हो जाए तो उसमें जो मुख्य चीजें हैं, जैसा कि नमाज का पढ़ना, दुआ का करना और कब्र में उतारते हुए उसका मट्टी उसके परिवार का डालना, ये तीन महत्व की चीजों को हम उनके परिवार को दूर रहकर करने देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज होती है हिंदू समाज की, कि भाई मृत्यु के पार्थिव शरीर को जब अग्निदाह दिया जाता है, उस वक्त उसके परिवार की तरफ से गंगा जल दिया जाता है और एक घी का जो रहता है, थोड़ा घी का छटकाव किया जाता है। तो वो सारा इंतजाम एकता ट्रस्ट करती है, गंगा जल भी एकता ट्रस्ट के पास है, वो लोग हमारे हिंदू भाइयों ने हमें दान में दिया है। वो तमाम गंगा जल की बॉटल है, हम लोग हर डेड बॉडी को मुंह में गंगा जल पिलाते हैं, उसका फोटो गिराते और उसके परिवार को देते हैं और घी का एक छोटा डिब्बा अग्निदाह देते वक्त हम लोग उसके शरीर पर छिड़कते हैं। और आपको भगवान अल्लाह बहुत दुआ देगा, बहुत आपका भला हो कि आप ऐसा मतलब दिल से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछूंगी, आपको क्या डर नहीं लगता? मैडम, डर कर अब इस देश की सेवा तो हो नहीं सकती। इस वक्त देश को हमारी जरूरत है। हम अनडेली हम तो वैसे डीकम्पोज डेड बॉडीज उठाते ही है और हमारी सरकार ने हम पर भरोसा किया है, उस भरोसे को हम बनाए रखना चाहते हैं। डर लगने जैसी कोई बात हमें लगती नहीं है। आप क्या खुद प्रोटेक्शन लेते हैं? आपने बार बार कहा कि हम WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो आप लोग जब ये करने जाते हैं या आपकी संस्था करने जाती है तो पूरा PPE वगैरह पहन के जाते हैं? हाँ, मैं सूरत महानगर पालिका की तरफ से और कुछ NGO की तरफ से हमें PPE किट दी गई है। हमारे पास करीबन 500 के आसपास की PPE किट है। हमारे चार सभ्य जो रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, वो PPE किट पहनकर अंदर जाते हैं। दूसरा, हमें हर दो दिन में हमारे सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर चौकसी, RMO चौकसी साहब है, वो हमारी ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयां देते हैं ताकि हमारे शरीर की जो ह्यूमिनिट शक्ति है, अंदर की शक्ति बनी रहे और हमारे जो बैक्टीरिया, रोग प्रतिकारक शक्ति के बैक्टीरिया भी जीवित रहे। ऐसे वो लोग हमारा इलाज करते रहते हैं। बाकी तो सब हम मालिक पे छोड़ देते हैं। हमारा काम मानवता को जगाना है, उसका काम वो करे, हमारा काम हम करते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ एकता ट्रस्ट का जो दफ्तर है, आप धर्म से मुस्लिम हैं और आज आप एक हिंदू जो बॉडी है उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं और बिल्कुल सड़क के ऑपोजिट साइड एक चर्च भी मैं देख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जहां पे भारत की बात आती है, वो एकता ट्रस्ट में यहाँ पे इसी दिन इनकैप्सुलेट हो गई है कि धर्म से ऊपर इंसानियत है और जो लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे वक्त पे भी हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोगों को बांटना, आप उनका बिल्कुल ऑपोजिट रूप है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो तमाम धर्म के मानने वालों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपा करके आप अपनी धार्मिक ग्रंथ को तो पढ़ें, चाहे वो कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे उसमें मानवता ही सबसे उच्चतम स्थान पर है।
दुख की बात यह विडम्बना इस बात की है कि हमारे धर्म के बनाने वालों ने या धर्म को संगठने वालों ने इस बात को जाहिर ही नहीं होने दिया, और जिसका दुर्परिणाम हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर धर्म को इतनी महत्वता दी गई जबकि आज धर्म बिल्कुल बंद है। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा हिंदू शंकराचार्य है या कौन सा ऐसा मौलवी जो अल्लाह से या भगवान से बात कर सके कि भैया हमारे ये मंदिर क्यों बंद है या हमारी मस्जिद क्यों बंद है। किसी में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि कोई एक ऐसी निरंकार शक्ति है जो इस विश्व को चला रहा है। उसने आज हम सब इंसानों को चैलेंज कर दिया कि भाई आपका धर्म जो बना हुआ है वो आपके पास ही रखो, मैं जो कहूंगा वही होगा। तो मैं तमाम देशवासियों से एक विनंती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज आप अपने धर्म को मानिए। मुझे उससे इंकार नहीं है, वो मानना भी चाहिए, लेकिन धर्म में पॉजिटिव बातें उसी को मानिए, जो बनी बनाई डाली गई है उसे ना माने। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये आपने काम शुरू कैसे किया? मैं आज से 33 साल पहले एक डेड बॉडी ऐसी आई थी जो मुस्लिम महिला की थी, जिसका नाम सकीना बीबी था। वो सूरत के करीबन 70 किलोमीटर दूर कोसंबा गांव की रहने वाली थी। उसके बेटों को जैसे पता चला कि हमारी मम्मी को एचआईवी एड्स हुआ है, वो छोड़कर भाग गए, क्योंकि उस वक्त एचआईवी एड्स को बहुत बड़ी बीमारी माना जाता था। वो डेड बॉडी करीबन 15-20 दिन तक डिकम्पोज हो गई, उसमें कीड़े पड़ गए, जीवात पड़ गए। तब आरएमओ जो पीके पटेल डॉक्टर साहब है, उन्होंने पेपर में एक ऐड दी कि भाई ये मुस्लिम बॉडी पड़ी है, कृपा करके आप इस बॉडी का अंतिम संस्कार मुस्लिम धर्म के लोग करें। मैं जब उस बॉडी को देखने गया तो करीबन उस वक्त मुझे 22 दिन 23 दिन हो चुके थे डेड बॉडी को देखे हुए, हजारों कीड़े उसके डेड बॉडी पर घूम रहे थे। मैं मुस्लिम औरतों को लाया नहलाने के लिए, करीबन 4 औरतें आए और 4 औरतें भाग गई कि भाई नहीं, हम इसको नहीं नहला सकते। बहरहाल मैंने हमारे धर्म के बड़ों से बात की, उन्होंने कहा कि आप पानी डाल दो, कीड़े जितने निकल सकते हैं डिटॉल डालकर साफ कर दो। उस डेड बॉडी को जब हम लोग ने अंतिम संस्कार किया, दफन विधि की, उसके बाद रात को मुझे सोते वक्त एक अजीब सा सपना आया। उसमें मैंने देखा कि वही औरत जिसका चेहरा तो मैं पहचान नहीं रहा था, वही औरत अपने एक आलीशान बगीचे में बैठी है, वो झूला झूल रही है और मुझे दूर से मुस्कुराकर हंस रही है। इसके बारे में मैंने अपने धर्म के लोग जो बड़े हैं उनसे पूछा कि ये क्या इशारा देती है, तो बोले वो ये कहना चाहती कि अब तू ये काम कर पाएगा, तूने एक आत्मा को संतुष्टि दी है, वो तुझसे बहुत खुश है और इस दुनिया को बनाने वाला मालिक भी तुझसे बहुत खुश है। तो मुझे वहीं से फीलिंग शुरू हुई, और हमारे शफी भाई बिस्मिल्लाह होटल वाले जो पिछले 50 सालों से उनके पिताजी भी ये काम कर रहे थे, मैंने उनका कांटेक्ट किया और उनसे बात की, तो उनको भी ये मेरा आइडिया अच्छा लगा कि नहीं भाई इसके लिए एक एनजीओ का होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम सब जो मेरे दोस्त लोग थे उनको बात की और एनजीओ की शुरुआत हो गई। मैंने आपके दफ्तर में देखा कि आपके टेबल के पीछे हमारा झंडा है, और मुझे लगा कि मुझे आपको कहना चाहिए कि मेरे लिए आपसे बड़ा राष्ट्रवाद का कोई उदाहरण नहीं। जी मैडम, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि राष्ट्रवाद किसी पक्ष में होता है या किसी इंसान के कहने से होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर मानवी को कर्म योद्धा होना चाहिए, वह अपने कर्म के जरिए अपने देश का भला करे और राष्ट्रवादी खुद ही कहलाएगा। किसी के सर्टिफिकेट बांटने से कभी राष्ट्रवाद बन नहीं सकता आदमी। मैं सिर्फ आपको सलाम दे सकती हूँ। थैंक यू बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम, दुआ, शुक्रिया अदा, धन्यवाद कि आप ऐसे समय में एक इंसानियत के इतना बड़ा काम कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। एंड इफ वी रियली वॉन्ट टू लर्न अ लेसन, if we want to learn a lesson we should come here to the Ekta Trust. You can see all of the volunteers here mere piche khade hain, and they don't talk about Hindu, Muslim, Sikh, Isai. They simply provide that dignity in death at a time when even family members are not willing to do so. This is the most fiercely nationalist Indian that I have met in a long time, and I am humbled to meet him.